इस वीडियो में आप जानेंगे बिच्छू के दर्द का तुरंत अंत करने के लिए एक आसान असरदार हर जगह आपके गली मोहल्ले चौराहे पे मिलने वाला नुस्खा। जय हिंद, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपके लिए लाता रहूंगा देसी नुस्खे, घरेलू इलाज, तंत्र मंत्र यंत्र टोटके उपाय से इलाज और भी बहुत कुछ। तो तिलिस्मी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस से बेहतरीन जानकारी और फ़ायदा उठाते रहें। बिच्छू जिसे डंक मारता है उसके दर्द का एहसास तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द होता है, जो सख्त पीड़ा होती है, उसका एहसास और उसका असली आलम तो वही जानता है जिसको बिच्छू ने डंक मारा है। यूँ तो बिच्छू डंक मारता है तो उसकी वजह से बुखार आ जाता है और सख्त दर्द होता है और ये दर्द 5 दिन तक कम से कम बना रहता है और बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप 5 मिनट में बिच्छू के दर्द से, जहर से आराम पाएंगे। नुस्खा ये है कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आक का पेड़ है, इसको आक बोलते हैं और इसको मदार भी बोलते हैं। आप इसके पत्ते लीजिए, यानी कि जो पत्ता एकदम से सख्त हो वो ना लीजिए, जो पत्ता अभी अभी निकला हो वो भी ना लीजिए, जो पत्ता दरमियानी हो यानी बीच का हो, जो ना ज़्यादा कड़ा हो और ना अभी अभी निकला हो, आधा पत्ता लीजिए। आधे पत्ते में आप 10 से 20 ग्राम गुड़ मिलाइए। गुड़ मिलाने के बाद में उसको अच्छी तरह मसल दीजिए। अच्छे से मसलने के बाद में जिसे बिच्छू ने डंक मारा है उसको आप खिला दीजिए। आप देखेंगे कि 1 मिनट में ये नुस्खा काम करता हुआ नज़र आएगा और 5 मिनट में आप देखेंगे कि जादुई तौर पे दर्द जाता हुआ नज़र आएगा। ये नुस्खा सदियों से आजमाया हुआ है और कई लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, बार बार का आजमाया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी बात को, अपने सवाल को, अपने सुझाव को ज़रूर रखिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।